दोस्तों थिंक एंड ग्रो रिच बुक 1937 में नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई और ये दुनिया की एकमात्र ऐसी बुक है जिसे लिखने के लिए कई सालों तक रिसर्च की गई और लगभग 500 से ज्यादा उस टाइम के सबसे अमीर लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद इस बुक में अमीर बनने के लिए या फिर लाइफ में किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताए गए जिन्होंने अब तक कई लोगों को सक्सेसफुल बनाया है। और ऐसा भी माना जाता है कि थिंक एंड ग्रो रिच बुक ने अब तक जितने लोगों को अमीर बनाया है, जितने लोगों को कुछ बड़ा करने के लिए इंस्पायर किया है, उतना आज तक ना कोई बुक और ना ही कोई लीडर कर पाया है। शायद इसीलिए आज कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन और कई सक्सेसफुल लीडर्स इस बुक को पढ़ने की एडवाइस देते हैं। ये जो बुक है मेरे हाथ में, इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इसको मैंने बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड किया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर भी, और उसके अलावा और भी अपने कई सेशंस में मैंने इसको रिकमेंड किया है। और ये बुक मैंने तकरीबन आज से 8 साल पहले पढ़नी शुरू करी थी और अभी तक ये मेरी फेवरेट बुक में से एक है। इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। नाम ही कितना अच्छा है, सोचो और अमीर बनो। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस बुक में अमीर बनने के लिए ऐसे कौन से रूल्स और प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो कि इस बुक को इतना खास बनाते हैं। दोस्तों नेपोलियन हिल एक मिडिल क्लास इंसान थे जो कि एक मैगजीन के लिए एज ए राइटर काम कर रहे थे और उसी मैगजीन के लिए उन्हें उस टाइम के अमेरिका के एक बहुत सक्सेसफुल इंसान जो कि उस वक्त के सबसे अमीर इंसान भी थे उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला, जिनका नाम एंड्रयू कार्नेगी था। एंड्रयू कार्नेगी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करने के बाद उस मुकाम को हासिल किया था। नेपोलियन हिल और एंड्रयू कार्नेगी के बीच इंटरव्यू केवल कुछ घंटों का रखा गया था, लेकिन वो इंटरव्यू पूरे 3 दिन तक चला, क्योंकि एंड्रयू कार्नेगी इस बात को अच्छे से जानते थे कि गरीब होना अपने आप में कितनी बुरी चीज है, गरीब लोग कितनी मुसीबतें झेलते हैं। और इसीलिए एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को लास्ट में एक चैलेंज दिया और कहा कि देखो, पूरी दुनिया में मेरे जैसे और भी कई सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने अपनी गरीबी को हराकर सक्सेस अचीव करी है, जिन्हें अमीर बनने और सक्सेस होने के कई सारे ऐसे राज पता है जो कि एक साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता। और यदि हमारी ये नॉलेज हमारी मौत के साथ दफन हो जाती है तो ये अब तक की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। इसलिए आप अपने अगले 20 साल एक ऐसी फिलोसफी तैयार करने में लगाइए जिसमें आप उन सभी सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू लीजिए जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, और फिर उस पूरे ज्ञान को एक छोटे फॉर्मूले में बदल कर दुनिया के उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन सही नॉलेज और पर्याप्त सुविधा ना होने की वजह से एक कम्फर्ट में फंस कर रह जाते हैं। क्योंकि हमारी सक्सेस के पीछे पैसे से बढ़कर कई बड़ी पावर्स काम करती है, कई ऐसे थॉट्स काम करते हैं जो कि एक साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता। क्योंकि हर इंसान को लगता है कि अगर उसके पास पहले से बहुत सारा पैसा होता और इसी सोच की वजह से वे अपनी उन पावर्स का अपने थॉट्स का यूज नहीं कर पाता। और इस चैलेंज को नेपोलियन हिल ने एक्सेप्ट किया और पूरी दुनिया के अलग अलग जगहों पर रहने वाले उस वक्त के सबसे अमीर लोगों के पास वो गए और उनका इंटरव्यू लिया। उन्होंने लगभग 500 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया और हजारों पेजेस के नोट्स तैयार किए और फिर उन हजारों पेजेस को कंबाइन करके उन्होंने टोटल 13 प्रिंसिपल्स बनाए, 13 ऐसे रूल्स बनाए जो कि किसी भी इंसान के लिए सक्सेस की हो सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में उन्हें लगभग 20 साल का समय लगा और उसके बाद तैयार हुई थिंक एंड ग्रो रिच बुक। तो यार आज हम इस पूरी किताब के उन्हीं 13 प्रिंसिपल्स को कंबाइन करके टोटल 6 पॉइंट्स में उस प्रोसेस को समझने वाले हैं कि अगर कोई भी इंसान अमीर बनना चाहता है, कोई भी इंसान पैसा कमाना चाहता है या फिर लाइफ में सक्सेस होना चाहता है तो उसे किस तरह से अपने थॉट्स और अपनी पावर्स का यूज करना चाहिए। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर कोई भी इंसान इस पूरे प्रोसेस को समझकर इसे फॉलो करता है तो पैसा कमाना तो उसके लिए एक बहुत छोटी सी चीज होगी, वो अपनी लाइफ में उस मुकाम तक पहुँच सकता है जहाँ तक पहुँचने की उसकी वास्तविक क्षमता है। तो चलो यार शुरू करते हैं इस बुक के सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर से। नंबर 1, बर्निंग डिजायर। दोस्तों कोई भी इंसान जिस किसी भी मुकाम पे पहुंचता है उसकी शुरुआत एक डिजायर से होती है। डिजायर यानी एक प्रबल इच्छा कि यार ये चीज मुझे किसी भी हाल में हासिल करनी है, एक ऐसी इमेज जिसे वो पाना चाहता है। और दुनिया के ज्यादातर लोगों का एक डिजायर तो होता है कि यार मुझे अमीर बनना है, मुझे जॉब हासिल करनी है या फिर मुझे खुद का बिजनेस करना है, लेकिन उनका वो डिजायर एक बर्निंग डिजायर नहीं होता है। वो आज एक बिजनेसमैन को देखकर बिजनेस करना चाहते हैं,
तो कल किसी और चीज से इंस्पायर होकर कुछ अलग करना चाहते हैं और ऐसे ही वो लगातार अपने डिजायर बदलते रहते हैं। इसलिए यदि कोई भी इंसान किसी भी काम में सक्सेस अचीव करना चाहता है तो सबसे पहले एक बर्निंग डिजायर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपका एक बर्निंग डिजायर होता है तब आपका ब्रेन पूरी तरह से उसी चीज पे फोकस्ड होता है। और आप इस चीज को ऐसे समझिए कि जब आप किसी कार या बाइक को खरीदने की एक प्रबल इच्छा बना लेते हो कि यार मुझे इस कंपनी की ये कार खरीदनी है, तब आपको पूरे मार्केट में पूरी सिटी में उसी कंपनी की कार्स दिखाई देती है, जबकि वो कार्स पहले भी वहां चलती थी लेकिन अभी आपके ब्रेन में उस चीज के लिए बर्निंग डिजायर है, आप उसे पाना चाहते हैं। और जब भी किसी भी चीज को पाने की हमारे अंदर एक प्रबल इच्छा होती है तब हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो हमारे उस डिजायर को रियलिटी में बदलने के लिए चाहिए। लेकिन केवल बर्निंग डिजायर होना काफी नहीं होता, इसलिए आगे के 5 पॉइंट्स को ध्यान से सुने। ये एक पूरा प्रोसेस है जो कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नंबर 2, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन करना कुछ लोगों की नजर में केवल बड़े सपने देखना होता है, लेकिन असल में हमारी सक्सेस में इमेजिनेशन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन यहाँ पर इमेजिनेशन भी 2 तरह की होती है। एक, आपने अपना एक डिजायर बनाया कि यार मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसा कमाना है। और ऐसे में आपके सामने 2 रास्ते होते हैं। पहला कि आप कोई गलत काम करके पैसे कमाओगे, और दूसरा कि आप कोई अच्छा काम करके पैसे कमाओगे। एग्जाम्पल के लिए आपने हर्षद मेहता का नाम जरूर सुना होगा, जिन्हें शेयर मार्केट की बहुत अच्छी पकड़ थी, जिन्होंने शेयर मार्केट से करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन उनका डिजायर केवल पैसा कमाना था, इसलिए उन्होंने कई सारे स्कैम करना शुरू किए। और आखिर में रिजल्ट क्या रहा, आज पूरी दुनिया इस बात को जानती है। इसलिए नेपोलियन हिल थिंक एंड ग्रो रिच बुक में दूसरे टाइप के इमेजिनेशन के बारे में बताते हैं कि आप अपना एक डिजायर बनाओ, उसके बाद अपने खुद के एक बेटर वर्जन को इमेजिन करो कि कैसे आप अपने आप को कैपेबल बनाकर एक सही डायरेक्शन में मेहनत करके अपने डिजायर को पूरा कर सकते हो। और अब आता है इन दोनों प्रिंसिपल्स को मिलाकर बनने वाला तीसरा इंपोर्टेंट प्रिंसिपल, नंबर 3, ऑटो सजेशन। जब हम अपना एक बर्निंग डिजायर बना लेते हैं कि जैसे मुझे एक बिजनेस करना है, और फिर हम उसमें अपना खुद का एक बेटर वर्जन इमेजिन करते हैं कि यार मुझे खुद को कैपेबल बनाकर एक सही डायरेक्शन में मेहनत करके अपने बिजनेस में सक्सेस चाहिए। और जब हम इस पूरे प्रोसेस को बार बार अपने ब्रेन में रिपीट करते हैं तब हमारा ब्रेन ऑटो सजेशन मोड में चला जाता है, यानी ये सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में चली जाती है। और फिर हमारा ब्रेन उस डिजायर को पूरा करने के लिए हमें सही सजेशन देता है। और ये पूरा प्रोसेस ठीक वैसे ही है जैसे हम एक बार बाइक चलाना सीख जाते हैं तो हमें बार बार याद नहीं करना पड़ता कि हमें कब ब्रेक लगाने हैं और हमें कब गियर चेंज करने हैं। हम ऑटोमेटिक ये सारी चीजें सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहते हैं, और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है जब हम बार बार बाइक चलाने की प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उसी काम को रिपीट करते हैं। इसलिए थिंक एंड ग्रो रिच बुक में नेपोलियन हिल ने ऑटो सजेशन मोड में जाने के लिए अपने बर्निंग डिजायर और इमेजिनेशन को बार बार रिपीट करने की एडवाइस दी है। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, नंबर 4, टेक डिसीजन। दोस्तों, नेपोलियन हिल ने उन सभी 500 मिलियनेयर्स का इंटरव्यू लेने के बाद 30 ऐसी वजह निकाली जिनकी वजह से सबसे ज्यादा फेलियर मिलते हैं। और उन सभी 30 वजहों में से सबसे टॉप पर जो वजह थी वो थी अपने काम को बार बार टालना, एक सही डिसीजन ना ले पाना। यानी जब हमारी लाइफ हमें वो एक मौका देती है, जब हम एक सही डिसीजन लेके अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं, उस वक्त 90% लोग केवल सोचते हुए टाइम निकाल देते हैं, ना तो वो उस काम को करने का डिसीजन ले पाते हैं कि हाँ मैं ये करूंगा, और ना ही वो उस काम को ना करने का डिसीजन ले पाते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा। वो बस खुद से बहाने बनाकर उस काम को टालते रहते हैं, और यही उनकी लाइफ में फेलियर की सबसे बड़ी वजह बनती है। इसलिए सही टाइम पे सही डिसीजन लेने की क्षमता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब आता है अगला प्रिंसिपल, जो कि हर उस इंसान के लिए समझना जरूरी है जो कुछ करना तो चाहता है लेकिन फेलियर का डर उसे कुछ करने नहीं देता। नंबर 5, अवॉइड फियर। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारी लाइफ में जितना बड़ा गोल होगा हमारे रास्ते में उतना ही ज्यादा फियर होगा। कई बार हमें फेल होने का डर तो कई बार हमें बहुत ज्यादा सक्सेस होने का डर आगे नहीं बढ़ने देता। आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि काश उस वक्त मैंने वो काम कर दिया होता या वो डिसीजन ले लिया होता तो आज मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती, आज मैं सक्सेसफुल होता। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आपने वो क्यों नहीं किया तो उनका जवाब होता है फियर, यानी डर। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान अपने उस डर से जीत कर सही समय पर सही डिसीजन ले पाता है, इसलिए वह सक्सेस होता है।
इसलिए यदि आप किसी भी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको अपने उस फियर को अवॉइड करना होगा। और अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी प्रिंसिपल आता है नंबर 6, स्ट्रॉन्ग विल पावर। दोस्तों, विल पावर इस दुनिया की एकमात्र ऐसी शक्ति है जिसके दम पर एक इंसान कुछ भी कर सकता है। एक बहुत गरीब इंसान खुद को एक बहुत अमीर इंसान के रूप में बदल सकता है, तो एक बीमार इंसान खुद को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। और जब हम किसी भी सक्सेस को अचीव करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत करते हैं तो उस वक्त हमारे रास्ते में कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, कई सारे फेलियर्स मिलते हैं। लेकिन यदि हमारी स्ट्रॉन्ग विल पावर है तो चाहे लाख परेशानी आए हम लगातार एक्शन लेते हैं और एक दिन हमारे वो एक्शन हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी विल पावर का यूज करके अपने डिजायर को पूरा करने के लिए? और आपका गोल क्या है? आप खुद को किस मुकाम पे इमेजिन करते हैं? आप ये सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और आप हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।